हाय दिया, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है ना ही? अब वैसे हम ना आज फिर हाजिर हैं आप लोगों के साथ में, अब भैया नया प्रोमो लेकर, वो भी किसका? मन सुंदर का। बात ऐसी हो गई है ना कि हमारे जो नाहर और रूही की ज़िंदगी चल रही थी ना अप एंड डाउन करके, वो ऐसा आ गया है कि अब ना एक तरीके से कह सकते हैं कि रूही है ना नाहर को मिल जाएगी। अकाई की कहानी ऐसी हो गई है कि भैया वो जो टकला गुंडा था ना, वो पहले तो सोचा था कि वो का ऑर्गन निकाल के रूही का मतलब वो बेच देगा, ऐसे में ना भैया वो ना ही बेचने वाला है। और जिसके बाद में वो सोचता है कि नहीं, सऊदी के आदमी को ना वो बेच देगा तस्करी करके। अब ऐसे में भैया जो सऊदी का आदमी है ना, वो अपना माल लोड करवा रहा था, और वही समय पे हमारा नाहर है ना गुप्ता जी को पूछने खातिर बिजनेस के मामले में वो पहुँच जाता है वहाँ पे। और उसके बाद में ना वो रूही है ना एक डब्बा में कैद रहती है, जहाँ पे वो थप्पड़ थप्पड़ मारती रहती है मतलब वो डब्बा को। अब ऐसे में ना ये जो हमारा नाहर है ना, वो कुछ शक हो जाता है कि में ना कोई तो है। अब ऐसे में वो पुलिस को बुला के है ना वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करवाता है, जहाँ पे ना भैया वो शक तो होता है। फिर के बाद में ना उसको एक भैया अपनी रूही की ना चीज़ मिलती है, जिसके बाद से उसको ऐसा लग जाता है कि रूही है ना हमारे आसपास में ही है। अब बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करवाने के बाद रूही तो ना ही मिलती। फिर जिसके बाद में वो जब आदमी चला जाता है ना, तो उसका झुमका गिरा हुआ मिलता है। फिर वो समझ जाता है कि भैया वो कार में थी हमारी रूही। अब वो कार लेके है ना उसके पीछे 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 भागता रहता है। और जिसके बाद में ना भैया जो सऊदी वाला आदमी है ना, दोनों जन का गार्ड ठुका जाती है। और एक बाद में भैया उसको खूब गुंडा लोग उनको पिटाई करता है। जिसके बाद भैया हमारी रूही को है ना वो डिक्की में से निकाल के ओके बाद उनको घर निकाल के बाहर रखता है। और ऐसे में ना पुलिस एक बार कहती है कि इसकी सांस नहीं चल रही, कहे कि भैया की सांस नहीं चल रही थी, वो थोड़ा सा आँख खुली थी फिर बंद हो गया था। जिसके बाद में भैया अब वो घर लेके गया है। और बात ऐसी है ना कि जो हमारी रूही है ना, वो की सास मतलब कि दादी सास, वो ना बहुत ही ज़्यादा हरामी मतलब हरकत कर रही है, कहे कि वो विलेन बन गई हैं। वैसे में ना वो सोच रही हैं कि रूही को किसी तरीके से नहीं नाहर की ज़िंदगी से बाहर निकालेंगे, कहे कि उनको ना ही चाहती हैं कि अब रूही अब नाहर की ज़िंदगी में रहे। तो आने वाला हमारे रूही और नाहर का मूड कैसा रहेगा, ये तो देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अब बाकी आप है ना एक पूरा एपिसोड देखें, तब आप लोग इनको पता चलेगा कि कैसा आने वाला है इनका ज़िंदगी में सफ़र हमारे नाहर रूही का। अब फिर आएँगे हम आप लोगों के पास में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब बाय बाय।